रेतीले धोरों की धरती यानी मरु प्रदेश राजस्थान की कला संस्कृति और लोक मान्यताएं देश और दुनिया के सैलानियों के आकर्षण का हमेशा से केंद्र रहती हैं। दिल्ली में राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का काम कर रही प्रतिष्ठित संस्था राजस्थानी अकादमी द्वारा हाल ही में नई दिल्ली स्थित मावलंकर हॉल में सालाना आयोजित की जाने वाली राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता 2018 का आयोजन किया, जिसमें स्कूली बच्चों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया। कार्यक्रम में अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर देश और दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन करने वाली राजस्थानी विभूतियों को सम्मानित भी किया गया। पेश है हमारे संवाददाता ओपी यादव की खास रिपोर्ट। ये नजारा है राजधानी दिल्ली के मावलंकर हॉल में राजस्थानी अकादमी द्वारा आयोजित 28वें राजस्थानी नृत्य प्रतियोगिता के रंगारंग कार्यक्रम का। राजस्थानी लोक नृत्य पर थिरकते ये बाल कलाकार दिल्ली के विभिन्न स्कूलों से इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए हैं। राजस्थानी कला संस्कृति और साहित्यिक विरासत को देश और दुनिया में पहुंचाने का काम कर रही राजस्थानी अकादमी द्वारा राजधानी दिल्ली में 28वां नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने न केवल बेहतरीन प्रस्तुति की बल्कि दर्शकों को अपने नृत्य से भाव विभोर भी कर दिया। हमें राजस्थानी डांस भी बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा लगता है राजस्थानी डांस, हमने बहुत बार पार्टिसिपेट भी किया है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें कल्चर दिखाई देता है राजस्थानी, उसमें नए नए टाइप के डांस देखने को मिलते हैं। राजस्थान का डांस बहुत अच्छा होता है, उसके अंदर एकदम जोश ही आ जाता है वो डांस करने में। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए भारत में अर्जेंटीना के राजदूत डेनियल चुब्रू ने इसे भारत की विविधता में एकता बताया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट इन टच विद द इंडियन कल्चर एंड द राजस्थानी कल्चर पर्टिकुलरली, सो इट वाज अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी प्रेजेंट हियर। राजस्थानी अकादमी के फाउंडर रामनिवास लखोटिया ने राजस्थानी लोक संस्कृति को जीवंत रखने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को जरूरी बताया। मुझे तो प्रसन्नता है और लोगों में रुचि है इसको आगे और बढ़ाने के चालू रखने की, और हमारे सदस्य भी ऐसे जुड़े हैं जो खुद रुचि लेते हैं। समारोह के आयोजक और राजस्थान अकादमी के अध्यक्ष गौरव गुप्ता ने कहा कि कार्यक्रम के जरिए हमने दिल्ली में मिनी राजस्थान की झलक दिखाई है। इसमें दिल्ली के स्कूलों के और दिल्ली एनसीआर के स्कूलों के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे राजस्थानी कला और नृत्य को बढ़ावा मिलता है। हमारा थीम है राजस्थानी कल्चर हेरिटेज और सेव द गर्ल चाइल्ड। आप दिल्ली में बैठे हुए आप मिनी राजस्थान यहाँ देख सकते हैं। समारोह में मौजूद प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों ने प्रदेश की लोक संस्कृति को सहेजने के लिए आगे आकर काम करने की अपील की। अगर बिजनेसमैन अगर सांस्कृतिक प्रोग्रामों को आगे बढ़ाएगा तो बच्चों में एक जो मुस्कुराहट होती है वो सब उत्सव होता है। जो प्रोग्राम जितने भी करते हैं उत्सव कॉम्पिटिशन है वो भी उत्सव बन रहा था, और मैं देख रहा हूँ सारे बच्चे उत्साहित हैं और हर्षोल्लास से भर के डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं। आपने अभी देखा हुआ जो डांस कर रहे हैं उसमें स्कूल के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, हर वर्ग का और हर एज ग्रुप में जो है दे आर पार्टिसिपेटिंग और दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब विद रिस्पेक्ट टू द सोशल वर्क एज वेल। हमारा ये रहता है कि हमारी जो एक राजस्थान की संस्कृति है उसको हम डेवलप करें, और दिल्ली में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मिनी राजस्थान आपको नज़र आएगा। हम डिफरेंट स्कूलों से एंट्री लेते हैं। माता पिता की सेवा में जीवन समर्पित करने के लिए हर साल दिया जाने वाला 1,00,000 रुपए का सुभाष लखोटिया श्रवण कुमार पुरस्कार इस बार प्रेमलता वर्मा को दिया गया। समारोह में पुलिस सेवा के लिए दिल्ली पुलिस के उपायुक्त जितेंद्र मणि, राजस्थान नृत्य क्षेत्र में सेवा के लिए नेहा कसौटिया और पत्रकारिता में उत्कृष्ट सेवा के लिए नेहा शेखावत को राजस्थानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों को पेरेंट्स की केयर करनी चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। जो मुझे धनराशि मिलेगी मैं उसको महिलाओं की सिलाई सेंटर में लगाना चाहूँगी, जिससे बच्चों को और भी रोजगार मिले। बहुत अच्छा लगा, बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करना चाहिए, और ये गलत धारणा है कि पुलिस वालों के पास दिल नहीं होता है, तो वो भी फीलिंग रखते हैं और कल्चर के प्रति उनका लगाव होता है। मैं राजस्थान अकादमी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मुझे जोधपुर से आमंत्रित किया गया, एंड आई वुड लाइक टू एसोसिएट माई सेल्फ फ्यूचर ऑल्सो विद ग्रेट परफॉर्मेंसेज ऑल्सो। देखिए राजस्थान अकेडमी जो कर रही है ऑलरेडी वो बहुत अच्छा कर रही है, तो डिजिटल के थ्रू हम जितना अपने कल्चर को ग्लोबल लेवल पे लेके जाएंगे
तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। समारोह में भाग लेने आए ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन के अध्यक्ष सन्नी कुलठाकल ने इस तरह के कार्यक्रमों को संस्कृति के संरक्षण के लिए जरूरी बताया। We are just happy to associate with this type of programs to encourage our youngsters for the cultural and other developments, and it will definitely in the long term will help to promote India on a global way. समारोह में लोकसभा सांसद डॉक्टर उदित राज, NBCC का अध्यक्ष अनिल कुमार मित्तल, इसराइल दूतावास की कल्चरल अटेची रेनुमा मंजूर, इन्वेस्टर्स क्लब के अध्यक्ष उमाशंकर गर्ग और PIB के निदेशक विजय लक्ष्मी कसौटिया के अलावा 23 शैक्षणिक संस्थानों के 250 छात्र छात्राओं और कई विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया। OP यादव की रिपोर्ट, DD न्यूज़।